हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज जो है इंडिया में बहुत ज्यादा कम बनाई जाती है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा बजट रिक्वायर होता है और VFX के साथ आप खेल नहीं सकते, मतलब ऑडियंस को तो वो पसंद ही नहीं है। तो Z5 वालों ने ऐसे में एक सीरीज रिलीज की जिसका नाम था ताज, जो कि लोगों को पसंद आई है। इसका पूरा नाम है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। इसके 2 सीजन आ चुके हैं, पहला सीजन कंप्लीट आया था, फिर सीजन 2 जो है 2 पार्ट में डिवाइड होकर आया, तो हाँ लोगों ने एंजॉय कर लिया है। लेकिन इसका सीजन 3 भी आ सकता है, उसके लिए दोस्तों दरवाजा एक खुल सा गया था, क्योंकि हमने जितने भी एपिसोड देखे एंडिंग तो उस तरीके से लग रही है। तो क्या होने वाली रिलीज डेट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नो डाउट आदिति राव हैदरी इस सीरीज में मेरी फेवरेट है, बाकी भाई दूर दूर तक नहीं। बात करें उस सीरीज के सीजन 3 के बारे में, तो करंटली जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक निकल कर आए उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि सीजन 3 तो आ सकता है, लेकिन Z5 वालों ने अभी तक इसे ग्रीन सिग्नल या फिर रिन्यूअल नहीं दिया है, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन देखते हुए चले इसकी पॉपुलैरिटी को, तो बहुत लोगों ने एंजॉय किया, तो हाँ Z5 वाले मोस्टली पॉपुलैरिटी को ध्यान देते हैं। चाहे दोस्तों और भी सीरीज देख लीजिए, इनकी सनफ्लावर देख लीजिए, पॉपुलैरिटी की वजह से जरूर से इसके अपकमिंग सीजन आते हैं, यानी कि सिक्वल आते हैं। फिर बात आ जाती है इसके रिलीज डेट को लेकर, तो करंटली बताया जा रहा है कि दोस्तों कुछ अपडेट्स तो ये बोल रही है कि भाई नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 में आएंगे, लेकिन भाई नहीं, इतनी जल्दी सीरीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऐसे हिस्टोरिकल ड्रामा को बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्शन बजट और अच्छा खासा हाई टाइम देने की जरूरत होती है इसे प्रॉपरली बनाने के लिए, तो सीरीज में अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। फिर भी अगर इसे रिन्यूअल मिलता है तो आप मानकर चल सकते हैं कि अगले साल 2024 में 3rd quarter तक आपको देखने को मिल सकती है, लगभग जुलाई से अगस्त तक, उससे पहले नहीं आने वाली। फिर भी और अपडेट्स का वेट करेंगे। आप बताओ क्या सोचते हो सीरीज के बारे में कमेंट में। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।